हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 14 है और फिजिक्स का चैप्टर 3 है। और इस चैप्टर में हम लोगों को सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ना है, लेकिन सोर्सेज ऑफ एनर्जी को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को एनर्जी के इम्पोर्टेंस को समझ लेना चाहिए। स्टूडेंट्स, जो हीट एनर्जी हम लोगों को वुड, केरोसिन ऑयल, एलपीजी को बर्न करने से मिलता है, वो एनर्जी हम लोग अपने घरों में खाना बनाने के यूज में लाते हैं। स्टूडेंट्स, जो भी एनर्जी हम लोगों को फॉसिल्स फ्यूल्स से मिलता है, इट मींस फ्यूल से मिलता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये सारे एनर्जी व्हीकल्स को रन करने के काम में आता है, जैसे बसेस, ट्रक्स, कार्स, बाइक्स, इन सब को रन करने के लिए जो एनर्जी हम लोगों को चाहिए वो हम लोगों को फ्यूल ऑयल से मिलता है। जो इलेक्ट्रिसिटी से हम लोगों को एनर्जी मिलता है वो एनर्जी हमारे फैक्ट्रीज में मशीन्स को रन करने के लिए यूज होता है। हमारे घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट, फैन, एसी, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा, ये सारे ही अप्लायंसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे लाइफ के हर एक एक्टिविटी में किसी ना किसी फॉर्म का एनर्जी इन्वॉल्व है, लेकिन अगर ये एनर्जी ना हो तो हम लोग अपने लाइफ के इन सारे एक्टिविटीज को नहीं कर पाएंगे और हमारा लाइफ वहीं पर आकर रुक जाएगा। स्टूडेंट्स, जो भी एनर्जी हमारे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को सप्लाई होते हैं वो एनर्जी भी अगर मिलना बंद हो जाए तो हमारे देश के डेवलपमेंट पर भी इसका बहुत ही गहरा असर पड़ सकता है। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल हमारे डेवलपमेंट के लिए एंड इवन हमारे एवरीडे लाइफ के लिए एनर्जी बहुत ही एसेंशियल है और एनर्जी के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में भी किसी ना किसी तरह का एनर्जी इन्वॉल्व ही है, तभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो पा रहा है। स्टूडेंट, अब हम लोग एनर्जी से ही रिलेटेड कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं ताकि हम लोगों को इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस के बारे में समझ आ सके और ये चैप्टर हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सके। स्टूडेंट, क्लास 9 में आप लोगों ने एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा और वहाँ आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आप लोगों ने सीखा होगा कि जो टोटल एनर्जी होता है फिजिकल या केमिकल प्रोसेस में, वो टोटल एनर्जी कंजर्व होता है। एंड वी कंक्लूड दैट एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब ये है कि एनर्जी ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जब एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रॉय ही नहीं कर सकते हैं तो फिर बार बार हम लोगों को ऐसा सुनने को क्यों मिलता है कि There is a crisis of energy। हम लोग हमेशा सुनते हैं, आए दिन सुनते हैं कि एनर्जी का क्राइसिस है और हम लोगों को एनर्जी को कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए और लिमिटेड अमाउंट में ही यूज करना चाहिए। लेकिन अगर एनर्जी डिस्ट्रॉय ही नहीं हो सकता है तो हम लोग इतना चिंतित क्यों है एनर्जी को लेकर? तो आइए इस बात को पहले समझ लेते हैं कि अगर एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है तो हम लोग एनर्जी क्राइसिस की बातें क्यों करते हैं। तो इस बात को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स,
मान लेते हैं कि हम लोग के पास एक कैंडल है। जब हम लोग इस कैंडल को बर्न करते हैं तो इस वैक्स में छिपा हुआ केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन स्टूडेंट, हम लोग ये भी जानते हैं कि जब भी हम लोग एनर्जी को यूज करते हैं, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पर जो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी हम लोगों को बर्निंग कैंडल से मिल रहा है, क्या हम लोग इस हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी को वापस से इस कैंडल के वैक्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं? देन ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। कैंडल से हम लोगों को जो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी मिल रहा होता है, इसको कंबाइन करके वापस से हम लोग कैंडल नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कैंडल एक यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी था, जब हम लोग इसको बर्न करके हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं तो वापस से ये हीट और लाइट एनर्जी वैक्स नहीं बन सकता है और ये रीयूजेबल नहीं हो पाता। इस बात को हम लोग एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि हम लोगों के ग्लास में एक हॉट वाटर रखा हुआ है जिसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि 75 डिग्री सेल्सियस है। जब हम लोग इस गर्म पानी को, इट मींस हॉट वाटर को, एक ठंडे यानी रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं, मान लेते हैं कि एक ऐसे सराउंडिंग में रखते हैं जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, देन ये वाटर धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा और वाटर का भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इस वाटर का रिमेनिंग हीट आप आसपास के सराउंडिंग में लॉस्ट हो जाता है। तो क्या ये जो सराउंडिंग में हीट एनर्जी लॉस्ट हो रहा है, वापस से उस एनर्जी को यूज करके हम लोग इस वाटर को गर्म कर सकते हैं? देन ऑफ कोर्स इस वाटर को वापस से हम लोग 75 डिग्री सेल्सियस पर नहीं ला सकते हैं। इस बात को एक और छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे हाथ में एक प्लेट है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो जब हम लोग उस ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट पर रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी होता है, और जब हम लोग उस ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो वो जाकर नीचे गिरता है और वहां से साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो क्या उस साउंड एनर्जी को वापस से कन्वर्ट करके हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में बदल सकते हैं? देन द आंसर इज अगेन ऑफ कोर्स नॉट, इट कैन नॉट बी रीट्रांसफॉर्म बैक इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। तो इन सारे ही एग्जाम्पल से हम लोग को ये पता चलता है कि एनर्जी जो हम लोग यूज करते हैं वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जो पहला फॉर्म होता है वो यूजेबल फॉर्म होता है, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू अ नॉट इजली यूजेबल फॉर्म एंड इट कैन नॉट बी रीयूज्ड। तो हम लोग उस एनर्जी को दोबारा से यूज नहीं कर पाते हैं वंस इट हैज बीन एग्जॉस्टेड। एक बार यूज होने के बाद उस एनर्जी को हम लोग दोबारा से उसी फॉर्म में यूज नहीं कर पाते हैं। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एनर्जी और एनर्जी क्राइसिस के इम्पोर्टेंस के बारे में समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग सोर्सेज ऑफ एनर्जी के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। हम लोग ये भी बात करेंगे कि एक गुड सोर्स और एक गुड फॉर्म ऑफ एनर्जी का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो स्टूडेंट,
तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।